हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि मैं एक वीडियो बना दूं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है एडमिशन के समय में उस पर एक वीडियो बना दूं, फी भी कितना लगता है उस पर एक वीडियो बना दूं और थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो इन सारे चीज़ को मैं एक ही वीडियो में आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन के समय में। दूसरा नंबर पर बात करेंगे कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि एडमिशन के टाइम में फ़ी कितना लगता है, बीए वालों को कितना लगता है, बीकॉम वाले को कितना लगता है और बीएससी वालों को कितना लगता है। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सीधे पॉइंट पर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सीएलसी या एसएलसी ले लीजिएगा। सी एल सी क्या होता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको देगा, कॉलेज देगा, वो सी एल सी ले लीजिएगा। या जो स्कूल से किए हैं, स्कूल से जो पास आउट किए हैं ट्वेल्थ, उसको देगा एस एल सी को बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जी फ्रेंड्स, ये दो हो गया, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। जो स्कूल से किए होंगे उसको एस एल सी मिलेगा, जो कॉलेज से किए होंगे उसको कॉलेज सी एल सी मिला होगा। तो ये आपको ओरिजिनल लगेगा। सबसे पहले आप पॉइंट को नोट कर लीजिए, सी एल सी या एस एल सी आपको ओरिजिनल लगेगा। दूसरा नंबर पर बात करते हैं कि आपको दूसरा नंबर पर क्या लगेगा। तो दूसरा नंबर पर क्या लगेगा, जैसे आप पाटलिपुत्रा में अप्लाई किए हैं तो अप्लाई करने वक्त जो आप दिए थे वो आपको लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करने वक्त जो आप दिए होंगे वो किस टाइप का था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अप्लाई करने वक्त इस टाइप का लिया होगा, इस टाइप का आपके सामने जो जो कॉलेज में अप्लाई किए होंगे तो आपको इस टाइप का मिला होगा एक, तो आपको ये लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका टू कॉपी करा के जीरोक्स लेके चले जाइएगा। तो दूसरा नंबर पे आपका ये हो गया। तो दो चीज़ बताते होंगे, पहला एसएलसी या सीएलसी और दूसरा नंबर पे आपको जो अप्लाई किए हैं वो। अब देखिए तीसरा नंबर पे क्या आता है, मेरिट लिस्ट में जो आपका नाम आया था, तो आपको जो कॉलेज ऑफर किया गया था, ऑफर लेटर जो मिला था उसको आप पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे, तो वो ऑफर लेटर का जीरोक्स आप लेके चले जाइएगा। ये तीन चीज़ें हम अभी तक बता चुके हैं, पहला एसएलसी या सीएलसी, दूसरा में अप्लाई जो किए थे वो, तीसरा में मेरिट लिस्ट जो ऑफर लेटर डाउनलोड किए थे वो, तीन चीज़ बता चुके हैं। अब देखिए चौथा मार्कशीट ओरिजिनल भी ले। देखिए मैं बीडी इवनिंग कॉलेज में आज एक स्टूडेंट एडमिशन कराया था, उसको मार्कशीट ओरिजिनल ले लिया और बोले कि सो एक मंथ के अंदर में आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद एक मंथ के बाद आपको जो है ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कहीं पे आप मार्कशीट ओरिजिनल भी लेता है और कहीं पे सिर्फ जेरोक्स ही लेता है। जैसे दूसरा कॉलेज, जैसे एक अरविंद महिला कॉलेज में एक मेरा स्टूडेंट्स था तो वो कराई, तो उसको जो है सो सिर्फ जेरोक्स लगा मार्कशीट का। तो सब कॉलेज अलग अलग तरफ से करता है, तो एक ये होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ मार्कशीट ओरिजिनल कौन लेता है और जेरोक्स कौन लेता है। तो मार्कशीट ओरिजिनल जो लेगा तो वहाँ पर एक बारकोड रहता है, बारकोड को स्कैन करके आपका वो फॉर्म खुद ब खुद ऑनलाइन भर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मार्कशीट का जेरोक्स लेंगे वो क्या करेंगे, वो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो फॉर्म देंगे आपको फिलअप करना पड़ेगा, तीन तरह का फॉर्म देंगे वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट आपको जिस कॉलेज में लेगा तो ओरिजिनल मार्कशीट में आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा। तो हम चार चीज़ बता चुके हैं, अब पांचवा चीज़ पे आते हैं, ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड का जेरोक्स लेके चले जाना है। और पांचवा चीज़ हो गया, छठा चीज़ बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल हैं तो जनरल को जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, अगर ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जरूर जाना चाहिए, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। चौथा, पांचवा, छठा ये हो गया। अब सातवां चीज़ का बात करते हैं, माइग्रेशन फोटोकॉपी। माइग्रेशन जो कराए थे वो आप फोटोकॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, जिसको जेरोक्स बोलते हैं तो माइग्रेशन का जेरोक्स ले लीजिएगा और दो फोटो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और आधार कार्ड भी मांगता है कहीं पे, तो आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, कहीं पे आधार कार्ड मांगता है तो कहीं पे आधार कार्ड नहीं मांगे। आपको फोटो का यूज कहाँ होगा, देखिए जहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट लेगा वहाँ पर आपको फोटो का यूज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जहाँ ओरिजिनल मार्कशीट लेगा वहाँ पर आपको वो भरना नहीं पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लेगा,
जहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लेगा, जेरोक्स लेगा, तो वहाँ पर आपको फॉर्म देगा और फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सब कॉलेज का अपना अपना रूल है। तो फ्रेंड्स ये होगी बात आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा। शुरू से मैं एक बार फिर से बता दूँ, पहले ले लीजिएगा SLC या CLC जो कॉलेज से किए, CLC और जो स्कूल से किए SLC। दूसरा में अप्लाई जो किए थे आप पाटलिपुत्रा वो ले लीजिएगा। तीसरा मेरिट लिस्ट यानी ऑफर लेटर का जो है उसका जेरोक्स ले लीजिएगा। चौथा मार्कशीट ओरिजिनल या जेरोक्स, ये हम डिटेल में बता चुके हैं। उसके बाद 12th का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। अगर जाति जनरल छोड़ के किसी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। माइग्रेशन ले लीजिएगा और 2 फोटो। बस ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, ये डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आया था तो उसमें एडमिशन डेट जो था वो 28 तक दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। एडमिशन डेट 28 तक दिया गया था, लेकिन फिर से एडमिशन डेट को बढ़ा के 2 जुलाई कर दिया था। तो 2 जुलाई 3 को जो है मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट निकालना था। 3 को थर्ड मेरिट लिस्ट तब निकलता जब 28 तक जो है आपका ये काम पूरा हो जाता, 28 तक सेकंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन हो जाता, तब 3 जुलाई को जो है थर्ड मेरिट लिस्ट निकाला जाता। लेकिन क्या है, अब जो है 2 जुलाई तक सेकंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन ही होगा। तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो है अब उसका डेट 3 जुलाई ना होकर के उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कॉलेज शैल बी कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ वैलिडेशन ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स 3। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ तक 3 तक करके 3 को ही 3 जुलाई को ही थर्ड मेरिट लिस्ट भी निकालना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो थर्ड मेरिट लिस्ट निकालना था, लेकिन अब जो डेट 2 जुलाई तक कर दी गई है तो अब थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी। 3 जुलाई को जो निकलने वाली थी 3 जुलाई को, अब 3 जुलाई के बाद निकलेगी, हो सकता है 7-8 जुलाई को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर डेट बढ़ा दिया जाए 3 से दोबारा डेट बढ़ा दिया जाए एडमिशन का, तो और 2-4 रोज बढ़ सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा है, पहले 3 जुलाई को निकलने वाली थी, अब 3 जुलाई को नहीं निकलेगी, क्योंकि जब 3 जुलाई को निकलने वाली थी तब 28 तक ही था डेट सेकेंड मेरिट लिस्ट के एडमिशन कराने का, लेकिन अब 2 जुलाई तक तो एडमिशन ही होंगी, तब 3 जुलाई को नहीं निकल पाएगी, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आ सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपको थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं फी कितना लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स का बात करता हूँ। सबसे पहले गर्ल्स का बात कर लेते हैं, तो गर्ल्स को बिल्कुल फ्री है, गर्ल्स को एडमिशन फ़ी नहीं लगता है। मैं आपको दिखा देता हूँ गर्ल्स को एडमिशन फ़ी। देखिए यहाँ से गर्ल्स को एडमिशन फ़ी बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया गया है। गर्ल्स को एडमिशन फ़ी और जो भी फ़ी होता है वो एडमिशन के टाइम में फ्री कर दिया गया, गर्ल्स को फ़ी नहीं लगा। अब बात कर लेते हैं बॉयज़ को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बेड़ी इवनिंग कॉलेज जो है उसमें एक स्टूडेंट्स आज भी एडमिशन कराया, तो उसको BSc का लगा है 2300 रुपया लगा है, ठीक है फ्रेंड्स। और BA वालों की बात कर ले तो वो 2000 इसी के आसपास लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ़ी की बात, गर्ल्स को बिल्कुल फ़ी नहीं लगता है, गर्ल्स को फ़ी नहीं लगता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए नोटिस, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है रिकॉर्डिंग टू फी कलेक्शन SC ST एंड वुमेन स्टूडेंट्स। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह का है। तो यहाँ पे दिया गया है एनी टाइप ऑफ फी कलेक्शन फ्रॉम ST ST एंड वुमेन आर क्वालिफाइड एज प्रोविटेड। तो ये जो है फी नहीं लगेगा वुमेंस के लिए, तो लगेगा सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो BSc वालों के लिए लग जाएगा लगभग जो है सो 2300, और BA वालों के लिए लगभग 2000 से लेके 2200, और BCom वाले के यही 1800-2000। तो ऐसे ही आपको सब कॉलेज में लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों चीज़, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फी और थर्ड मेरिट लिस्ट, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।